इंसान की ज़िंदगी एक एडवेंचर राइड की तरह होती है, जहाँ पे है अच्छे सड़कें, खराब सड़कें और कभी कभार बंद सड़कें। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में राइडर हैं, इसके लिए हमें मोटरसाइकिलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एडवेंचर की असली मज़ा लेने के लिए आपको एक मोटरसाइकिलिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जिस एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में उपस्थित उस जगह का नाम है अनिनी। अनिनी टाउन से चाइना सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पे है और 2011 की जनगणना की मुताबिक इंडिया की सबसे कम पॉपुलेशन वाली जगह है। उस वक्त वहाँ पे सिर्फ 8000 लोग बसते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एडवेंचर राइड। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अमित हेयर अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। राइट नाउ आई एम इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द वे टू अरुणाचल प्रदेश। यस, आई एम ऑन द वे टू अरुणाचल प्रदेश एंड टुनाइट विल बी आवर डेस्टिनेशन इज अनिनी। यस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अनिनी। सो अर्ली इन द मॉर्निंग वी स्टार्ट आवर राइड अराउंड 7 o'clock एंड यू वॉन्ट बिलीव कि सुबह 7 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यूसली 2 घंटा हो चुकी है राइड करते हुए और 1 सेकंड के लिए भी हमें ब्रेक नहीं मिला इस बारिश से। बारिश कंटिन्यूसली हो जा रही है, इवन हेलमेट पहन के भी चलाना डिफ़िकल्ट। हाँ, दैट्स मीन जो सामने का वाइजर है उसको खोलो तब भी डिफ़िकल्ट, नहीं खोलो तो फोक बन जाती है। तो अभी हमें ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर आगे ड्राइव करके जाना है इस भारी बारिश में, पहाड़ों की बीच होते हुए खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए। पता नहीं बारिश में कितना एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो भूख के मारे हालत हो रही है पूरी ख़राब। तो हम सभी ने अपनी बाइक को यहीं पे पार्क कर लिया है। ये रही हमारी बाइक। तो फिलहाल यहाँ से अराउंड हमें अभी 260 किलोमीटर तक आगे कवर करना है, उसके बाद हम अनिनी जाके पहुँचेंगे और रोड इट्स एक्सट्रीमली हॉरिबल। सो देखा जाएगा, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। सो बारिश में राइड करने में मज़ा ही कुछ अलग है। फिलहाल कम्प्लीटली ड्राई रखने की कोशिश किया गया था, लेकिन ड्राई कर नहीं पाया, टोटली गीला हो चुका हूँ। तो गाइस इतनी हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, क्या बताऊँ, मतलब ड्राइव करने में बैंड बज रही है। और सॉरी, मैं कैमरा कंटिन्यू ऑन नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि रोड इतनी ख़राब है ना, वाइब्रेशन की वजह से कैमरा होल्डिंग होल्डिंग लग जाती है और ऊपर से मैं चार्जर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मोबाइल की और कैमरे के, क्योंकि तो बारिश हो रहा है ना, थोड़ा पानी चला जाएगा अंदर चार्जर में। तो फिलहाल तो हम लोग रास्ते पे हैं, अभी भी अराउंड 200 किलोमीटर हमें आगे जाना है अनिनी तक पहुँचने के लिए। और अभी ओनली हुए हैं अनिनी और अभी हमें बहुत सारा प्लेसेस कवर करना है। फिलहाल तो हमें मायोडिया पास है जहाँ पे अभी पहुँचना है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, फिर वहाँ से आगे अनिनी जाएंगे। तो अनिनी ऑलरेडी हम लोगों ने कैंप वगैरह पहले से बात करके उसके रखा हुआ है। हमने सोचा था कि आज दिन सही रहेगा और इतना बारिश, इतना भयानक ना पहाड़ की बारिश, आप समझ सकते हो। देख सकते हो इधर में बरसाती नाला वगैरह सब भी एकदम अपनी एक्टिव हो चुकी है। फिलहाल तो मैं बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ, हम पहले निकल आए हैं और ये प्लेस जो है ना कहीं पे भी स्टेट लेने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। इनको हर तरफ में बड़ी बड़ी पहाड़ी है और सावधानी ये रहना है कि लैंड स्लाइड की बड़े बड़े पत्थर भी आप ऊपर गिर सकते हैं। आप देख सकते हो आजू बाजू पत्थर तो है लेकिन नहीं ज़्यादा, थोड़ा सकते हैं इससे। तो ये कंटिन्यू करते हैं सफ़र और क्योंकि ज़्यादा बारिश है मैं माइक भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। आगे आ रहा हूँ आपसे बोल,
नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरी हरी एकदम खूबसूरत पहाड़ी दिख रहा है बारिश की वजह से, और थोड़ा सा हरा भरा हो गया है। लेकिन मेन दिक्कत ये है ना कि अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, जो हमारी मेरे दोनों तरफ में जो खूबसूरत देख रहा हूँ ना, एक तरफ में एकदम खुली सी पूरा बड़ी सी खाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी साइड में तो पहाड़ी है पर इतनी खूबसूरत है ना, फिर भी एंजॉय नहीं कर पा रहे सिर्फ इस बारिश की वजह से। अगर ये बारिश इतना ज़्यादा नहीं होता ना, तो रुक रुक के अच्छे से हर खूबसूरत जगह पे रुक के थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के जा सकता था। एक्चुअली मेरा प्लान ही था ना यहाँ पे कि आने की, कि जाते समय आपको पूरा रोड की नज़ारा अच्छे से रुक रुक के दिखाऊं, लेकिन आप देख सकते हो ना यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कहाँ पे रुके हम, यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, कहीं पे भी शेड नहीं है, यहाँ पे खुला जगह है जहाँ पे भी रुकोगे मतलब कोई काम की नहीं होने वाली है। ऊपर से आप कैमरे लेंस पे देख ही रहे हो कितनी सारे बूंदे आ रही है, पता नहीं वीडियो कैसी आएगी, पर इतनी भयानक बारिश है ना कि पूछो ही मत बारिश के बारे में। अब मेरे इस साइड में देख लो, इतनी खूबसूरत मतलब जगह है, लेकिन साइड में बहुत ही गहरी खाई है, पर ये बादल जो है ना, बादल की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, पूरा फॉग होके रखा हुआ है। अगर ये बादल ना होता ना, आपको बहुत ही अच्छा लगता इस साइड की व्यू देख के, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है, और बारिश की वजह से ना सर से लेके पैर तक पूरे का पूरा गीला गीला होके रखा हुआ है। हल पता है एकदम सर से लेके मतलब हेलमेट के अंदर से लेके नीचे जूते के अंदर तक, मतलब कोई जगह बचा नहीं जहाँ पे पानी ना हो। अब मेरे जूते के अंदर में से तो एकदम कोई खचक खचक इस तरह का अजीब सा साउंड ही आने लग रही है। और ऊपर से तो ये मत पूछो, और हेलमेट की वजह अगर खोल दूँ ना तो इट इज़ जो बारिश की बूंदे है ना, ये इस तरह से हीट करती है ना, जैसे कि कोई नीडल हो रहा है ना आँखों मुंह चेहरे पे, कोई नीडल मतलब चुभ रहा है, ऐसा फील होता है बारिश की वजह से। तो अभी करना भी क्या है ना, अभी रोड पे अगर आप बारिश में आए हो यहाँ पे राइड करने के लिए, तो इससे सड़क पे पहाड़ों में तो एडवेंचर तो थोड़ा सा होनी चाहिए सफ़र। फिलहाल मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, प्यार है इस पहाड़ों से। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इतनी डिफ़िकल्टी तो आपको सहना पड़ेगा यार। तो रोड का कंडीशन जो है ना, इतनी फ़िलहाल अच्छी है नहीं, लेकिन आगे जो रोड है उससे तो फिलहाल बेहतर रोड है। यानी कि आगे मेरे को जो मैंने कवर लिया यहाँ से आने के पहले, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ कि आगे हुनली बोल के एक प्लेस है, प्लेस की नाम है हुनली, HUNLI। तो उस प्लेस से मतलब रोड ख़राब है, हर कोई मुझे बोल रहा था, इवन कुछ वीडियोस में भी नहीं मैंने देखा है कि उधर से आगे से रोड ख़राब है। एक्चुअली हमारी जो लगेज बंधा हुआ है ना, जो बैग के पीछे में जो बैग बंधा हुआ है, एक्चुअली बैग के पीछे जो बैग बंधा हुआ है ना, बैग लूज हो गया है, क्योंकि पिलियन जो है ना बैग के ऊपर में लीन होकर बैठा हुआ था, तो इसको फिर से टाई करना पड़ेगा। इसीलिए फेलो राइडर्स ने मुझे रुक दिया इसको टाई करने के लिए, तो इसको अभी फटाफट ट्राई कर, इसको फटाफट टाई करेंगे और निकलेंगे आगे। और इसके अतिरिक्त ये कि बैग जो बैकपैक है उसके अंदर में ड्रोन कोपड़े और पावरबैंक रखा हुआ था, सब भी गिला हो गया पानी की वजह से, पूरा पानी अंदर चला गया ड्रोन के अंदर, तो पूरा पानी चला गया। अभी बैटरी नहीं डला हुआ था ड्रोन पे, पता नहीं अभी क्या कंडीशन है, ये जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पे। तो चले फिलहाल तो अभी यहाँ पे चेक करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, अगर ड्राई होगा तो ड्रोन यूज होगा, नहीं तो फिर ड्रोन का फुटेज भी नहीं मिलेगा इस बार। आप ये देख रहे हो ना, गाय जैसा दिख रहा है ना, ये गाय बोलूँ या बफेलो बोलूँ आपको, मतलब जैसे भी दिख रहा है ना, जो जानवर दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली जो पीछे छोड़ के आए हैं हम लोग, ये जानवर एक्चुअली यहाँ पे इसको मिठुन कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश की नेशनल, जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट एनिमल है। हाँ मिठुन मतलब वो हमारी IMET वो वाला मिठुन नहीं, ये मिठुन ये एनिमल है, इसका नाम मिठुन है। तो हमारी एक बाइक में थोड़ा सा इशू हो गया है,
साइलेंस का जो बोल्ट है निकल गया ये एडजस्ट टाइप से, जगह पे कुछ मिलना भी मुश्किल है या फिर इसका जो मैच है वो हमें मिल गया कैसे जाए दिक्कत होगी और तो वेदर इतना खतरनाक है ना यहाँ पे अभी एकदम बर्फ जैसा हो गया है ना, बीमार हो जाएंगे। फिलहाल आगे मुझे मायोडिया पास है कुछ दूरी पे, अभी भी अराउंड 260 किलोमीटर, अराउंड 250-60 किलोमीटर अभी भी मुझे कवर करना है। तो आगे मायोडिया पास है, मायोडिया पास एक्चुअली मैंने काफ़ी बार आ चुका हूँ मायोडिया पास, तो वहाँ तक सर के थोड़ा ऐसा ही है, इतनी बुरी हालत नहीं है, सर के ऑलमोस्ट सही है, आप मतलब चला सकते हो, इतनी ख़राब रोड नहीं बोल सकते हो। पर आफ्टर मायोडिया मैंने कभी नहीं किया उस साइड में, तो पता नहीं इस बार जाने के बाद ही मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँगा कैसा रोड है। और थोड़ा ख़राब रोड आया तो अच्छा भी लगेगा, पर इतना भी ख़राब रोड ना हो कि हमें मज़ा जो है ना बारिश की वजह से किरकिरा हो जाए। हम लोग मायोडिया पहुंच चुके हैं, आगे में एक होटल है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे वहाँ पे, क्योंकि ऑफ रोड में हाथ और कमर की हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से पिलियन है ना, पिलियन होने से राइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माय गुडनेस, ये रोड का मैं क्या बोलूँ यार, देखा अभी से ही इतनी भयानक और इतनी ख़राब रोड है ना, माय गॉड, ज़्यादा इतना बड़ा बड़ा पोर्टफोल है ना। और ये रोड एक्चुअली पिछले मतलब इसी साल में जनवरी में आया था, तो अच्छा था रोड, आई थिंक ये बारिश की वजह से इसी बार ही ख़राब हुआ होगा। अब देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये धुंध की वजह से, मतलब जो बादल है ना उसकी वजह से। पर इस खूबसूरती के साथ में सावधानी रहना भी बहुत ज़रूरी है, इस प्लेस में ना मेरे जानकारी के हिसाब से बहुत सारे लोगों को मौत हो चुका है बिकॉज ऑफ यू नो केयरलेस ड्राइविंग की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ आदमी क्या करते हैं यहाँ पे दारू पी के आते हैं और मतलब मस्ती मजाक ज़्यादा करने लगते हैं इस एरिया में, तो उस चक्कर में ना खाई में गिर जाते हैं कार और बहुत ही भयानक मौत होती है। मैंने तो बहुत सारे मतलब मुझे एक्चुअली मैंने एक दो बार तो था मैं उस यहाँ पे उसी समय हुआ। तो आप जब भी आओ यहाँ पे ना, मोस्टली कहीं भी पहाड़ी एरिया में जाओ तो आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना ही करो, क्योंकि पहाड़ में ऐसे ही मतलब गाड़ी चलाना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, तो ऊपर से अगर आप ड्रंक हो गए ना तो फिर तो मतलब पहुँच जाओगे जमराज के द्वार पर और चकना वहीं पर मिलेगा खाने के लिए। एक्चुअली ये जगह आप जितनी मतलब शांत देख रहे हो ना, स्नोफॉल में यहाँ पे स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल होती है, मतलब स्नो की सीजन पे ना यहाँ पे लोकल टूरिस्ट बहुत होते हैं, मतलब आमने सामने के जो लोकल है उन सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए मतलब इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ जाओगे अब जम्मू कश्मीर वगैरह या फिर शिमला वगैरह, ये पे सामने पे निकल आते हैं, थोड़ा सा स्नो पे एंजॉय करते हैं, दो चार घंटे की राइड होती है, सुबह आए या फिर शाम को आराम से घर पहुंच जा सकते हैं। इतना कोल्ड होकर रखा है ना, हम अपने सॉक्स निकल के यहाँ पे डाल के रखते हैं, सभी लोग सॉक्स को यहीं पे सुखा रहा है, सुखा जाएगा जल्दी जल्दी, कोई देखेगा ना तो लाइक कोई जो मतलब कुछ फ्राई वगैरह बना रहे हैं हम लोग गर्मा गर्म, बस कुछ देर में बनेगा हम खाएंगे हम, पर कोई फायदा नहीं होगा, पर लगा भी
जूता अभी इतने गीले हैं चाहे कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग गर्माहट कर रहे हैं, टाइम लगी हालत सब तो खराब है। बाहर में देखते तो यार खराब है ना, पूरा फोगी होके रखा हुआ है। तो गर्म करने के लिए ये एक ऑप्शन है, तो आमतौर पर हर बर्फीली जगह पे ऐसे ही बनाया जाता है। किलोमीटर ऑलमोस्ट जाना है। सुनाओ कि अक्सर हुनली रोड थोड़ा सा और खराब है, पता नहीं पानी सा इंसिडेंट हो गया ना, सभी लोग यहाँ पे सुखा रहे थे कपड़ा, इसने भी सुखाने की कोशिश किया। एक्चुअली मैंने ट्राई किया, जला दिया यहाँ पे। अब बेचारा घूमेगा क्या? हेलो हेलो, कैसा हो गया कि नहीं, नंगा नहाएगा क्या, नीचे रहेगा, ऐसा हो गया बेचारा। अब ये यही करके इस नंगे का बहुत कपड़ा है। अपनी फोगी होके रखा हुआ है, तो ज़्यादा देर रुक करेंगे नहीं यहाँ पे। विदाउट डिले हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि रात होने के पहले पहले हमें जितने भी ख़राब रोड है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओ व्हाट ए व्यू मैन, सच में यार ये पहाड़ों में ना नेचर काफ़ी खूबसूरत है, दिल खुश हो जाता है। कितनी भी परेशानी हो ना, नेचर में आ जाओ ना, आपको आज़ाद कर देगा नेचर से। जब फेवरेट रहे तभी परेशानी होते हैं हमारी लाइफ में। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैमरे पे, ये बहुत ही ढलान है एकदम, और ऊपर से ना कंकर पत्थर बजरी, मतलब पूरा रोड खराब रोड है, ऊपर से गीली मिट्टी भी है बीच बीच में, जिसमें ये बाइक ना बहुत भयानक तरीके से स्लिप हो जाएगी अगर गिरा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक तुम, धीरे धीरे से मुझे डाउन लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि इलियन भी बैठा हुआ है पीछे। आगे अराउंड 15 किलोमीटर दूरी पे तो हुनली है, हुनली बोल के जो जगह है वो है। तो अभी हुनली पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, और फटाफट दबा के चलता हूँ यहाँ पे। मैं रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली बनाने में दिक्कत हो रही है, और पता नहीं चल रहा कि ये वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि बारिश की वजह से लेंस में पानी बूंदे जमा होती है ना, तो बहुत ख़राब दिखता है। लेकिन जो है वही दिखने को मिलेगा। अभी जो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग का मतलब ही वही होता है, जो सही है, जो एकदम विदाउट बनावटी जो है वही दिखने को मिलेगा आपको। व्हाट अ व्यू, आप मेरा राइट हैंड साइड में देख रहे हो। मैंने रॉन्ग टर्न ले ली, हुनली के लिए जाना था मुझे सीधा, और मैंने ले लिया इस साइड। कोई नहीं, अरे हड़बड़ी के चक्कर में ना मैंने दूसरी साइड में ले लिया था, अभी उल्टा और कहीं पे पहुंच जाता। मतलब थोड़ी दूर ही है, ये रही हुनली। तो ये जगह जो है ना, ये हुनली है, छोटा सा स्टॉप बोल सकते हो आप, कुछ दुकानें वगैरह है यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे आने की जो रोड वगैरह है ना, मैं सभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि ऑन दी वे इतनी बारिश होने की वजह से ना मैं हर जगह का वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं रुक के वीडियो बनाने की वजह मैंने सोचा कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और जो बहुत ईजी है, या तो फिर मैं गूगल मैप ही ऐड कर दूंगा उन पर, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे लंबा जाना है। और यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा, सभी दुकानें बंद है यहाँ पे। अरे यार रोड की हालत देखो यार, एकदम मतलब जहाँ तहाँ पानी जमा हो गया ना, इधर गड्ढा यहाँ पे ये, और ऊपर से पिलियन को लेके चलाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरे पीछे में ना लगेज भी है, लगेज में से जो हमारी ज़रूरत का है ना उसका टेंट वन सभी बांधा हुआ है, वो भी करीबन होगा 20-25 किलो, ऊपर से एक बंदा भी बैठा हुआ है, तो राइड में ना दिक्कत हो जाती है क्योंकि हैंडल थोड़ा जाम फील होता है ना पीछे पिलियन रहने से। तो ये रोड की वजह से ना पूरा ऊपर से गीला हो गया ना, बॉडी पूरा चिपचिपासा हो गया है, मतलब शरीर में थोड़ा जो लचीलापन हो ना उतना कम फील होने लग गया इस, मतलब चिपचिपा से कपड़ा भी चिपका हुआ है एकदम से। ये एकदम जो है ना क्या बोलते हैं इसको, कमर तोड़ रोड, या फिर मतलब कमर तोड़ पालंग तोड़ क्या बोलोगे आप, को भी बोलो, लेकिन पूरा तोड़ फोड़ के रखा हुआ है पूरा मुझे, क्योंकि बाइक इतनी हैवी नहीं है कि इस तरह के रोड के लिए बना हुआ नहीं है ये बाइक, फिर भी मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन मज़ा तो आ रहा है, मैं नहीं बोलूँगा कि मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, बस मुझे इस चीज का मुझे दुख है कि मैं वीडियो ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, जो मैंने प्लान किया था ना रुक के एकदम मस्त करके वीडियो बनाएंगे ना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। अभी ये देख रहे हो ना, आपको कैमरे में पता नहीं चल रहा है, ये आयरन ब्रिज है ना सामने पे, इसके बाद में ना पूरी खड़ी चढ़ाई है, मुझे पता है कैमरे पे ये जो एक्शन कैमरा है ना इस चीज़ को प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, और पता नहीं जो 200 cc 300 cc वाला बाइक है उसी को डिफ़िकल्ट हो जाएगी इसको चढ़ने में, मेरा तो बहुत ही कम पावरफुल है, तो मैं पिलियन को उतार के मैं बाइक को चढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। आयरन ब्रिज यार, गीली मिट्टी है ना, इसमें डर लगता है कि स्लिप ना हो जाए, और इतनी बारिश में ना बॉडी इतनी मतलब नाजुक हो चुका है ना गीला होके कि गिरे तो भयानक चोट लगने वाला है, पूरा तरफ में हर एकदम ऊपर वाले ने ना पूरा गीला गीला करके रख दिया है, हर तरफ गीला गीला एकदम, मतलब सर से लेके पैर तक सॉक्स चड्डी बनियान सब कुछ गीला कर दिया है, एकदम दिल भी गीला गीला हो गया एकदम, हर तरफ में गीला गीला, पर खुद को मछली मछली फील होने लग गया अभी, मतलब हर से सच बोलूँ ना एकदम नहा धो के एकदम मस्त साफ सुथरा क्लीन होके निकला हूँ, फिर भी पता नहीं इसको क्यों लगा हुआ है कि मुझे नहला नहला के लेके जाना है, अभी भी कंटिन्यूसली हो ही रहा है बारिश, रुक ही नहीं रहा है यार, मतलब 2-3 मिनट के लिए रुक जाए ना तो भी मानता कि चलो हमें ब्रेक दिया, ब्रेक दे ही नहीं रहा है, बस ये वरुण देव रुक जाओ यार, कितना नहला हो गया, अब बंद भी कर दो ऊपर की नल की, यार गीला कर दिया पूरा। माय गुडनेस, ये रोड देख रहे हो आप, मेरे लेफ्ट साइड देखो, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना इस साइड में, मैं आपको रोड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर थोड़ा सा सावधानी से मुझे निकलना पड़ेगा, अगर सावधानी से नहीं निकला ना तो मेरा बाइक, एक्चुअली क्या है कि रोड ना पूरा गीली मिट्टी बजरी वही सबसे पहाड़ों में जैसे होता है वैसा ही बना हुआ है, थोड़ा सा भी अपने मतलब ध्यान हटका ना आपको तो आप गिर जाओगे, और आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो पूरी एकदम गहरी खाई और रिवर भी है, और फिलहाल तो सनलाइट है, सही बात है कि सनलाइट रहते रहते ना मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रोड है ना ऐसे वाला साइड में रिवर खाई ऐसा वाला रोड क्रॉस कर लूँ तो फिर थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि मेरा लाइट भी हैलोजिन वाला है तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये सूर्यदेव आज थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेना यार, थोड़ा सा रुक जाना आप, थोड़ा सा रुकोगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेना आज। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ये गहरी खाई है और रिवर है, और टूटी फूर की भयानक स्लिपरी रोड, और मेरा राइट हैंड साइड में पहाड़ी, मतलब इधर में लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, उधर से गिरने के चांसेस है, और अवशेष भी देख सकते हो आप लैंडस्लाइड की, मेरे को हर जगह पे मतलब आपको देखने को मिलेगा, ये सब ना पूरा लैंडस्लाइड की अवशेष है, जो JCB वगैरह देखे इसको फिलहाल मतलब रोड को कंटिन्यूस मतलब रोड को कंटिन्यूसली जैसे यूज कर पाए उस हिसाब से बना के गया है। यार
ये मतलब ना कि अगर आप थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी किया ना आप सीधा नीचे जाओगे यार। फाइनली अगेन अच्छे रोड में आ गए हैं। ओह माय गुडनेस, अगेन अगेन हार्ट मेल्ट कर देती है यार। आप नज़ारा देखो ना, सो देखते देखते हो गई है शाम और हमें अभी भी क्रॉस करनी है अराउंड 65 से लेकर 70 किलोमीटर टू रीच आनिनी। हमारी कैंपिंग ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी समय लगने वाली है, अराउंड 2.5 से लेकर 3 घंटा। और रोड इसी तरह कभी अच्छा तो कभी बहुत बुरी रोड मिलने वाली है हमें। और इस बारिश में मैं सुझाव आपको यही देना चाहूँगा कि पहाड़ों में कभी भी विजिट ना करें। अगर आपको जाना है फिर भी तो आप ग्रुप में जाइए। और मेरे जो कैमरा है इसकी बैटरी होने वाली है ड्रेन, तो उससे पहले मैं ब्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड इसी खूबसूरत सुझाव के साथ। और बहुत जल्द मिलूँगा मैं आपसे आनिनी को एक्सप्लोर करते हुए और एक नई एपिसोड में। तो तब तक रखिए आप अपना ख्याल, मिलेंगे बहुत जल्द।